एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, पिछला टॉपिक था जो हमारा एडवर्ब, उसके बाद हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है प्रीपोजिशन। बहुत ही इजी होते हैं प्रीपोजिशन, को आप जब पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि ये जरूरी भी होते हैं। तो प्रीपोजिशन देखो बच्चों, प्री और पोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है। प्री का अर्थ इंग्लिश में जो ये होता है इसका मतलब है पहले, और पोजिशन का मतलब है स्थिति, उसका स्थान। ठीक है, तो प्रीपोजिशन माने जो वर्ड पहले आया हो, जिसका स्थान पहले आया हो। देखो, दिस इज, देयर इज अ डॉग इन द फील्ड, खेत में एक कुत्ता है। तो इन द फील्ड, फील्ड क्या है? हमारी एक नाउन है, ठीक है, और डॉग भी क्या है? एक नाउन है। तो नाउन का दूसरे नाउन से क्या रिलेशन है? पहले वाली नाउन जो है दूसरे वाली नाउन में है, तो ये जो इन है ये इनका आपस में रिलेशन बता रहा है, नाउन टू नाउन का। ठीक है, तो ये हमारी प्रीपोजिशन है, यानी एक नाउन से पहले लगी हुई है, एक नाउन के बाद में ये वर्ड है, लेकिन ये दोनों का संबंध बता रहा है। तो दूसरा देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ डांस, उसे डांस का शौक है। फॉन्ड ऑफ डांस, फॉन्ड एक वर्ब है, ठीक है, डांस हमारी वर्ब है, और ऑफ हमारी प्रीपोजिशन है। तो जो ये ऑफ है ये डांस को क्वालिफाई कर रहा है, इसको डांस का शौक है। ठीक है, तो ये ही का कनेक्शन डांस से बता रहा है, ठीक है, ऑफ इसको मॉडिफाई कर रहा है, रिक्वेस्ट जस्टिफाई कर रहा है। द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर, जो बिल्ली है वो चेयर से कूदी, जंप कूदना, जम्प्ड ऑफ मतलब उससे बाहर कूदना, उससे आगे कूदना। ठीक है, तो जम्प्ड ऑफ ये वर्ब है हमारी, ये नाउन है, और इन दोनों को जोड़ने का काम हमारी प्रीपोजिशन ऑफ कर रही है। तो डेफिनेशन देखिए, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। जो प्रीपोजिशन होती है वो एक ऐसा वर्ड होती है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्लेस की जाती है, टू शो इन व्हाट रिलेशन इट स्टैंड्स, ये दिखाने के लिए कि किस संबंध में ये खड़ा है, इन रिगार्ड्स टू समथिंग एल्स, दूसरी किसी चीज के संदर्भ में। किसी दूसरी चीज के संदर्भ में जो नाउन और प्रोनाउन है वो किस तरह से मतलब शो हो रहा है, क्या उसका संबंध है दूसरी चीजों से। तो प्रीपोजिशन मीन्स होता है दैट विच इज प्लेस्ड बिफोर। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रीपोजिशन होती है उसका अर्थ होता है कि वह वस्तु या वह वर्ड जो पहले ही प्लेस कर दिया गया हो। तो प्रीपोजिशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होते हैं, दो चार मैंने आपके लिए लिखी हैं जो बहुत मेन होती हैं। इनके अलावा भी हो सकती हैं, तो कुछ मेन हैं जो हम पढ़ते हैं अभी। द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज विद प्रीपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। जो नाउन और प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन के साथ यूज होते हैं वो इसको ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे कि अभी अभी आपने जो ये देखा, इन द फील्ड, तो ये जो फील्ड है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑफ डांस, ये डांस इसका ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि प्रीपोजिशन में हैव टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, प्रीपोजिशन के जो है एक ही ऑब्जेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, दो या दो से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे दिस रोड रन्स ओवर हिल्स एंड प्लेन्स। अब हिल्स एंड प्लेन्स, ये जो तीन अक्षरों का प्रेडिकेट हो गया हमारा, ये जो है ओवर, जो ये प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हिल्स एंड प्लेन्स ओवर का ऑब्जेक्ट है, ओवर हमारी प्रीपोजिशन है, रन हमारी वर्ब है, और दिस रोड इज इक्वल, ये हमारी नाउन है। नेक्स्ट कहता है भाई, ए प्रीपोजिशन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट। एक प्रीपोजिशन जो है वो आमतौर पे ऑब्जेक्ट से पहले ही लगा दी जाती है, बट समटाइम इट फॉलोज ऑब्जेक्ट, परंतु कभी कभी ऑब्जेक्ट के बाद भी आती है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा प्रीपोजिशन पहले होगी ऑब्जेक्ट बाद में होगा, नहीं, कभी कभी जो है ऑब्जेक्ट पहले हो सकता है, प्रीपोजिशन बाद में हो सकती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रिलेटिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, तो जो प्रीपोजिशन है वो प्राय आखिर में आती है, इट प्लेस ऑफन प्लेस एट द एंड। एग्जाम्पल देखिए, हेयर इज द वॉच, यहाँ पर वह घड़ी है, दैट यू आस्क्ड फॉर, ये फॉर जो है ये प्रीपोजिशन है, ये बाद में लगी है, क्यों? क्योंकि जो दैट वॉच, ये जो दैट है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है ना, तो यहाँ पर ये उस घड़ी की बात कर रहा है जो मैंने पूछी थी या जो तुमने पूछी थी, जिसके लिए तुम पूछ रहे थे। तो हेयर इज द वॉच दैट यू आस्क फॉर, वॉच वो नाउन हो गई है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो उस वॉच के लिए हम जिस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे वो एंड द एंड ऑफ द सेंटेंस आएगा, ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में हमें प्रीपोजिशन मिलेगी,
ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखिए, दैट इज द गर्ल वेयर सॉरी होम आई वॉज स्पीकिंग ऑफ, यह वह लड़की है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, स्पीकिंग ऑफ, तो वो भी होम भी क्या है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वट आर यू थिंकिंग ऑफ, आप किसके बारे में सोच रहे हो, वट आर यू थिंकिंग ऑफ, अब ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो इसमें भी हमारी जो प्रीपोजिशन है वो लास्ट में आ गई है, समझ में आया। वट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो, तो ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इसमें भी हमारी प्रीपोजिशन एट जो है वो लास्ट में आई है। तो इस तरह से प्रीपोजिशन को प्लेस करने का रूल है ये कि जब आप रिलेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो अधिकतर बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं, अधिकतर बार ऐसा होता है कि आपको प्रीपोजिशन लास्ट में मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि जब कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है तब प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले आता है और वह नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में काम करता है, यानी कि प्रीपोजिशन जब जो है सेंटेंस अगर आपका एक्टिव वॉइस में है तो जो नाउन और प्रोनाउन है तो उससे पहले आ जाता है, ठीक है, लेकिन उस वक्त वो नाउन और प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे होते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट में, ना कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अभी देखो हमने पीछे जैसे पढ़ा था ये इन द फील्ड, तो ये था फील्ड नाउन के ऑब्जेक्ट, नाउन जो है ऑब्जेक्ट थी किसकी, प्रीपोजिशन की, वर्ब की नहीं थी, ठीक है, कोई वर्ब नहीं थी यहाँ पर, लेकिन जब एक्टिव वॉइस में होता है हमारा सेंटेंस तो क्या होता है, तब हमारा जो नाउन और प्रोनाउन है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जैसे द पुलिस विल लुक इन टू द केस, द पुलिस विल लुक इन टू द केस, यहाँ पर प्रीपोजिशन है इन टू, द केस है हमारा नाउन जो ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, लुक का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हेयर नाउन द केस इज नॉट ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये केवल प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि इट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब लुक, ये लुक का भी ऑब्जेक्ट है। द पैसिव वॉइस प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या होगा, आपकी प्रीपोजिशन जो है वो वर्ब के बाद में आएगी, जैसे दिस केस विल लुक्ड इनटू, यही जो हमारा सेंटेंस था इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया, दिस केस विल बी लुक्ड इनटू, यह केस देखा जाएगा, यहाँ पर बाय पुलिस भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये लुक्ड जो है वही का वही है, इनटू जो है लास्ट में आ गया है और जो नाउन हमारी थी वो आगे चली गई है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, दे लाफ एट हर, वे उस पर हंसे, ये एक्टिव वॉइस है, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम लिखते हैं शी इज लाफ्ड एट, यानी कि ये जो एट है हमारी प्रीपोजिशन ये हमारा लास्ट में चला जाता है, ठीक है। तो इन कुछ खास बातों का ध्यान रखेंगे आप तो प्रीपोजिशन को अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे इसके टाइप, काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, काइंड ऑफ प्रीपोजिशन मतलब इसके प्रकार कैसे होते हैं, तो मेन तो तीन ही होते हैं और वो जो होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। देखिए आप, पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, तो सिंपल प्रीपोजिशन में एक कहता है कि बहुत ही जो साधारण प्रीपोजिशन होती है वो होती है सिंपल प्रीपोजिशन, मोस्टली प्रीपोजिशन आर कंटेन सिंगल वर्ड, जो सिंगल वर्ड की प्रीपोजिशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, दे आर कॉल्ड सिंपल और सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन, उनको हम सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं और सिंपल प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं, जैसे विद, ऑन, टू, इन, बाय, अंडर, अलोंग, फार, सॉरी फॉर, आउट, अबव, सिंस, अंटिल, देन, ओवर, एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी है, बहुत सारी जो सिंगल वर्ड की है। नेक्स्ट है हमारी कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, दीज प्रीपोजिशन आर फाउंड बाय नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये प्रीपोजिशन जो है नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब से बनी होती है, बट दीज आर यूज एज प्रीपोजिशंस, परंतु ये प्रीपोजिशंस की तरह ही यूज होती है, जैसे इनसाइड, आउटसाइड, अब देखो ये इनसाइड, आउटसाइड, इन और आउट प्रीपोजिशन है, लगाई है इनके आगे, साइड के आगे, ठीक है, तो साइड हमारा क्या है, उस तरफ, ठीक है, ये नाउन भी हो सकता है, कहीं ये एडवर्ब भी हो सकता है, अनलाइक, अनलाइक मारे अनलाइक, लाइक का मतलब अपोजिट बन गया, लाइक ठीक है, पेंडिंग, एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये सब जो है कंपाउंड प्रीपोजिशन है, इनकी खासियत ये है कि ये
हमें बनी बनाई नहीं मिली है, बल्कि ये बनाई गई है नाउन से या किसी एडजेक्टिव से या किसी वर्ब या एडवर्ब से। नेक्स्ट हमारी फ्रेज प्रीपोजिशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी भी है, इनको पहचाना आसानी से जा सकता है। दिस टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। ऐसी जो प्रीपोजिशन है, जो फ्रेज प्रीपोजिशन है, उनको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहा जा सकता है या फ्रेजल प्रीपोजिशन भी कहते हैं उनको। दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह होते हैं दैट वर्क्स लाइक अ प्रीपोजिशन, जो कि प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं। मतलब एक सिंगल वर्ड की प्रीपोजिशन नहीं होती, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। देखिए जैसे अकॉर्डिंग टू, इन प्लेस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, विद रिगार्ड्स टू, इन स्पाइट ऑफ, इन एडिशन टू, ओविंग टू, इंस्टेड ऑफ एटसेट्रा। इनमें से एक भी सिंगल वर्ड की नहीं है ना, सभी जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, दो या तीन वर्ड्स के ग्रुप हैं, और ये बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो बच्चों ये तो थी इंट्रोडक्शन प्रीपोजिशन का। आप लोगों के लिए कुछ प्रीपोजिशंस के मैं एग्जांपल और कुछ प्रीपोजिशन के यूजेस को लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें जो कॉमन प्रीपोजिशन है हमारी, जिनका बहुत बार यूज करते हैं, उनके बारे में फुल डिटेल होगी, उनके एग्जांपल्स होंगे, उनकी यूजेस पता चलेंगे आपको कि कहाँ हम यूज कर सकते हैं, बल्कि कुछ एक में तो डिफरेंस भी होंगे, जैसे इन और इन टू में, है ना, एट और ओवर में, ऑन और एट में। तो इस तरह से मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें कुछ मेन मेन प्रीपोजिशन लूंगी, क्योंकि प्रीपोजिशन तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी, तो उन सभी को कवर तो किया नहीं जा सकता। आप अपनी नोटबुक्स बुक्स में भी पढ़ते रहिए, बाकी मेरे वीडियो पे भी लगातार इस तरह की वीडियो अपलोड होती रहेंगी, आप देखते रहिए। पर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, और उसके बाद ऑल पर क्लिक करना है, ताकि आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपके काम के हैं, आपके दोस्तों के काम के हैं, और हर एक उस व्यक्ति के काम के हैं जिसको इंग्लिश से डर लगता है, ग्रामर से डर लगता है, जो समझना चाहता है लेकिन समझ में नहीं आता है। तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं बहुत बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। अगले वीडियो तक के लिए बाय, टिल देन पढ़ते रहिए और देखते रहिए, इंग्लिश काफी अच्छी है। बाय।